Hello everyone, welcome to my channel Gunjan's Biology Classes. Myself Dr. Gunjan Goyal, and today we are going to do the part 2 of our chapter number 6 of your class plus 1, that is Anatomy of the Flowering Plants. So we have already covered the part 1 of this particular chapter. In that part we studied about the introduction of the anatomy and the different types of cells, then tissues ko humne divide kiya tha. उसकी पूरी क्लासिफिकेशन को हमने वन बाय वन स्टडी किया. सो उसमें हमने बेसिक चीजें स्टडी कर ली पार्ट वन की इस वीडियो में. अब हम पार्ट टू करने वाले हैं. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो पार्ट टू ऑफ दिस चैप्टर. सो इन दिस पार्ट लेट्स सी व्हाट आर द टॉपिक्स वी विल बी कवरिंग. वी विल बी कवरिंग द टिश्यू सिस्टम टाइप्स. सो टिश्यू सिस्टम पहले तो होता क्या है, टिश्यू सिस्टम के बारे में हम स्टडी करने वाले हैं. एंड देन थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम जिनके बारे में हम स्टडी करेंगे, जैसे डर्मल टिश्यू सिस्टम क्या है, उसके अंदर कौन से सेल्स आते हैं. एंड देन वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम कौन सा है, उसमें किस पार्ट को वो कवर करता है प्लांट्स के, कौन से सेल्स वेस्कुलर में आते हैं एंड कौन से सेल्स ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के अंदर आते हैं. सो हम पूरा टिश्यू सिस्टम इस पार्ट में कवर करने वाले हैं. सो विदाउट एनी वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट विद अवर चैप्टर टू पार्ट टू द टिश्यू सिस्टम. फर्स्ट टॉपिक इज द टिश्यू सिस्टम. सो टिश्यू सिस्टम होता क्या है. सो टिश्यू सिस्टम इज एक टिश्यू. अगर हम टिश्यू अकेले टिश्यू वर्ड की बात करें, सो जैसे कि टिश्यू जो होता है वो सेल्स का बना होता है. सो सेल इज अ बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ एज वी ऑल नो. सो टिश्यू जो होता है वो सेल्स की ऑर्गेनाइजेशन है. सो इट इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स जो कि इकट्ठे होकर कुछ फंक्शंस परफॉर्म करती है. सो दैट अ टिश्यू इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल्स दैट परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन together perform a particular function. So tissue कई तरह के cells का बना हुआ होता है, जैसे कि parenchyma cells, sclerenchyma cells and water conducting cells. तो ये सारे के सारे cells tissue system को बनाते हैं, ठीक है. तो जो पूरा ये system होता है उसको हम tissue system कहते हैं. अब अगर हम simple ये वाले tissues, जो ये tissue को different cells tissue बनाते हैं, और ये हम tissues को modify करें, तो इनकी functioning क्या है. इनकी functioning है कि ये transport का काम करते हैं, वाटर और मिनरल्स की कंडक्शन का काम करते हैं, ठीक है, एंड सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, ठीक है, प्लांट्स को प्रोटेक्ट करते हैं. सो ये इनके फंक्शंस होंगे. अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की, ये सिंपल टिश्यूज का काम हो गया, ट्रांसपोर्ट, सपोर्ट और प्रोटेक्शन. पर अगर हम कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की बात करें, यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज की अगर हम बात करें, सो ये ऑर्गेनाइज फर्दर होते हैं एक फंक्शनल यूनिट में, जिसको हम टिश्यू सिस्टम कहते हैं, ठीक है. और ये पूरा कॉन्टिन्यूस रहता है थ्रू आउट द प्लांट. तो ये कॉम्प्लेक्स टिश्यूज तीन फंक्शनल यूनिट्स में, थ्री फंक्शनल यूनिट्स में ऑर्गेनाइज हैं, जिसको हम लोग टिश्यू सिस्टम कहते हैं. और ये पूरा कॉन्टिन्यूस मतलब पूरा का पूरा प्लांट के अंदर थ्रू आउट रहता है, ठीक है. सो लेट सी कि इसके अंदर कौन से फंक्शनल यूनिट्स आते हैं, ठीक है. सो टिश्यू सिस्टम्स में तीन तरह के टिश्यू सिस्टम्स आते हैं. फर्स्ट इज डर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड इज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम एंड थर्ड वन इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. एज यू कैन सी, जो आउटर लेयर होती है, चाहे वो रूट है, चाहे वो स्टेम है, चाहे वो लीफ है, जिसकी भी अगर हम इसकी एनाटमी जब हम स्टडी करते हैं, तो जो आउटर लेयर होती है एपिडर्मिस जिसका नाम है, वो डर्मल टिश्यू बनाता है. जेन जो वाटर कंडक्शन का काम करते हैं वो वेस्कुलर टिश्यू काम करता है. तो इन दोनों के अलावा वेस्कुलर जो जाइलम और फ्लोएम और एपिडर्मिस के अलावा जो भी सेल्स बच गए वो ग्राउंड टिश्यू के अंदर आ जाते हैं, ठीक है. और ये तीनों के तीनों ओरिजिनेट किससे हुए हैं, मेरिस्टमेटिक सेल्स से. मेरिस्टमेटिक सेल्स वो सेल्स जो हमेशा डिवाइड करते रहते हैं, जिनके अंदर पावर है डिवाइड करने की, ठीक है. सो लेट्स सी थी all the three system one by one, starting with the dermal tissue system. So dermal tissue system, as I have already told you, it is the outer covering of the plant. So agar hum dermal ki baat kare, what do you mean by dermal? Dermal ka matlab hai skin. Derma se liya gaya hai, ye Greek word hai derma. So it means skin. Skin matlab outer covering. Okay. So, इसके अंदर कौन से सेल्स आते हैं. अगर हम सेल्स की बात करें, एपिडर्मल सेल्स, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल अपेंडेजेस. एपिडर्मल अपेंडेजेस में ट्राइकोम्स और हेयर्स आ जाते हैं.
सो अगर हम इसकी सेल्स की बात करें, सो इसमें एपिडर्मिस आती है, एपिडर्मल एपिडर्मिस आ गई पूरी की पूरी लेयर. इसके अंदर स्टोमेटास होते हैं जो कि गैशियस एक्सचेंज के लिए काम करते हैं. एंड देन इसके अंदर आउटर कवरिंग्स, ये एपिडर्मल अपेंडेजिस, ट्राइकोम्स या फिर हेयर्स प्रेजेंट होते हैं. और इसके ऊपर एक आउटर लेयर होती है क्यूटिकल की, क्यूटिकल की फॉर्मेशन होती है इसकी आउटर बाउंड्री पे. सो अगर हम बात करें, सो डर्मल टिश्यू सिर्फ एक ही लेयर का बना होता है जिसमें सेल्स क्लोजली पैक्ड होते हैं. जैसे कि आप देख सकते हैं ये एक ही लेयर है, इसमें सेल्स क्लोजली पैक्ड हैं, जिसको एक मतलब इकट्ठे ये वाली पूरी चीज को हम लोग एपिडर्मिस कहते हैं. ये सेल्स कौन से होते हैं? पैरेन्काइमेटस, पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं ये, जिसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है और एक बड़ा सारा वैक्यूल भी प्रेजेंट होता है, ठीक है, इनके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स में. और अगर हम इसकी आउटर कवरिंग की बात करें एपिडर्मिस की, तो ये क्यूटिकल, जो ये क्यूटिकल है ये आउटर कवरिंग प्रेजेंट होती है, ये क्या करती है, ये वाटर लॉस को प्रिवेंट करती है, ये वाटर का लॉस नहीं होने देती, पर ये रूट्स में एब्सेंट होती है. सो ये रूट्स में एब्सेंट होती है, ठीक है, स्टेम्स और लीव्स में प्रेजेंट होती है, रूट्स में ये एब्सेंट होती है. ओके, और ये हो गया एपिडर्मिस का, कि एपिडर्मल सेल्स की बात कर ली अब हमने. और इसमें अंदर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं जिसको हम लोग जिसको जो जिसका काम क्या है, गैशियस एक्सचेंज करना, ठीक है, गैशियस एक्सचेंज करना और ट्रांसपिरेशन को रेगुलेट करना, ठीक है, वाटर लॉस को रेगुलेट करना. और गैशियस एक्सचेंज, गैसेस अंदर बाहर होती हैं, ठीक है. स्टोमेटा दो बीन शेप, ये देख सकते हैं आप, बीन शेप सेल्स का बना होता है, ठीक है, जिसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं. सो गार्ड का मतलब ही क्या हुआ, वाटर लॉस को प्रिवेंट करना, ठीक है, ट्रांसपिरेशन को चेक करना, एंड देन इस गैशियस एक्सचेंज को देखना कि कौन अंदर आ रहा है, कौन सी गैस अंदर आ सकती है, कौन सी बाहर जा रही है. सो थ्रू दिस स्टोमा सेल से होता है, गार्ड सेल्स से बोलते हैं, ठीक है. सो ये हो गया हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम, ठीक है. अब हम आते हैं सेकेंड टिश्यू पे जो है हमारा, सॉरी अगर हम इसमें फर्दर देखें, इसमें एक और, सॉरी इसमें हमने तीन पार्ट्स बोले थे, एपिडर्मिस बोला था, स्टोमेटा बोला था, एंड तीसरा एपिडर्मल अपेंडेजेस. बट अगर हम स्टोमेटा की गार्ड सेल्स की बात करें, तो ये अगर गार्ड सेल्स का स्ट्रक्चर मैं आपको दिखाऊं, सो ये डंबल शेप्ड होता है, ठीक है, डंबल शेप्ड स्ट्रक्चर होता है. और इसमें आप देख सकते हैं कि कैसे स्टोमेटा ओपन हो रहा है और कैसे स्टोमेटा की शेप चेंज हो जाती है जब वो क्लोज होता है. ओपन होता है तो वो इस तरह से बन जाते हैं, स्वोलन हो जाते हैं, और वो श्रिंक कर जाते हैं जब वो क्लोज होते हैं, ठीक है. तो आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल्स जो होती हैं वो थिन होती हैं और इनर वॉल्स इसकी थिक रहती हैं. बाहर की लेयर थिन, अंदर की लेयर थिक होती है. इसमें भी क्लोरोप्लास्ट होता है, ठीक है. और एपिडर्मल सेल्स जो गार्ड सेल्स के आसपास प्रेजेंट होते हैं, वो स्पेशलाइज्ड होते हैं शेप और स्ट्रक्चर में, जिनको हम सब्सिडरी सेल्स का नाम देते हैं. सो गार्ड सेल्स के आसपास जितने ये सेल्स होते हैं, इसको सब्सिडरी सेल्स बोला जाता है, ठीक है. और ये वाला स्टोमेटल अपर्चर, गार्ड सेल्स, और ये जो आसपास की सराउंडिंग सब्सिडरी सेल्स होते हैं, ये सारे के सारे मिलके क्या बनाते हैं, तीनों चीजें मिलके क्या बनाती हैं, स्टोमेटल अपर्चर, स्टोमेटल अपर्चर, ओके. गार्ड सेल्स, सब्सिडरी सेल्स, और साथ के जो भी सराउंडिंग सेल्स होते हैं, ये तीनों मिलके इन तीनों मिलके स्टोमेटल अपर्चर बनाती हैं. देन हम थर्ड इसमें डर्मल में पार्ट की बात करते हैं, ये होते हैं ट्राइकोम्स या फिर एपिडर्मल अपेंडिजेस बोलते हैं इसको, ट्राइकोम्स या फिर हेयर्स. तो ये रूट हेयर्स जो होते हैं, ये होते क्या है, ये यूनिसेलुलर एलोंगेशन होती है एपिडर्मल सेल्स की. इनका काम क्या है, ये क्यों होते हैं प्रेजेंट, क्योंकि कोई भी चीज प्रेजेंट है तो उसका फंक्शन जरूर है. चाहे आप लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बात कर लीजिए, लिविंग ऑर्गेनिजम्स में आप प्लांट्स की बात कर लीजिए, एनिमल्स की बात कर लीजिए, ह्यूमंस की बात कर लीजिए, अगर कोई चीज किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, सो उसकी जरूरत है, उसका कुछ ना कुछ फंक्शन है, वो इसीलिए प्रेजेंट है. अननेसेसरीली कोई भी चीज आपके पास नहीं होती, ठीक है. तो जो ये ट्राइकोम्स होते हैं, ये क्यों होते हैं, इनका फंक्शन होता है वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना सॉइल से, ठीक है. ये हेल्प करते हैं वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए सॉइल से. और ये एपिडर्मल हेयर्स भी बोलते हैं हम ट्राइकोम्स को, स्टेम्स के ऊपर प्रेजेंट भी होते हैं ये मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है. और ब्रांच या अनब्रांच हो सकते हैं, या सॉफ्ट भी हो सकते हैं, स्टिफ भी हो सकते हैं.
ये सिक्रेटरी होते हैं और वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं ड्यू टू ट्रांसपिरेशन, वाटर एब्जॉर्प्शन को हेल्प करते हैं सॉइल से और वाटर लॉस को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है, इसकी ये फंक्शनिंग हो गई। तो ये तो हमारा था डर्मल टिश्यू सिस्टम। अब हमारा सेकेंड टिश्यू सिस्टम आ जाता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। सो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम की अगर हम बात करें, इसके अंदर हमारे पास वेस्कुलर कंडक्टिंग सेल्स होते हैं, कॉम्प्लेक्स टिश्यूज हैं ये, जाइलम एंड फ्लोएम। और वेस्कुलर प्लांट्स, जो प्लांट्स होते हैं उसको हम ट्रेकियोफाइटा भी बोलते हैं, ठीक है। अब वेस्कुलर प्लांट, वेस्कुलर टिश्यू जो है, वेस्कुलर टिश्यू का क्या फंक्शन है, वेस्कुलर टिश्यू का फंक्शन क्या है, जाइलम और फ्लोएम की जरूरत क्यों है, क्यों प्रेजेंट है? फॉर कंडक्शन ऑफ वाटर, मिनरल्स एंड फूड, ठीक है। कंडक्शन, पानी, मिनरल्स और जितना भी फूड मटेरियल है पूरे प्लांट को पहुंचाने का काम जाइलम और फ्लोएम करते हैं, वेस्कुलर टिश्यूज करते हैं, इसलिए इनको कंडक्टिंग टिश्यूज भी कहा जाता है। और इनका एडिशनल फंक्शन रहता है, सेकेंडरी फंक्शन रहता है मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करना, ठीक है। और जो ये कंटेंट ट्रांसपोर्ट करते हैं या कंडक्ट करते हैं उसको हम सैप बोलते हैं। जाइलम और फ्लोएम जो भी कंटेंट कंडक्ट करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, उसको हम सैप का नाम देते हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें कि कैम्बियम की, कैम्बियम क्या है, ये एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, ये सेकेंडरी टिश्यूज को बनाने में हेल्प करते हैं। तो जो अगर कैम्बियम अगर इसके अंदर प्रेजेंट है तो जो ये वेस्कुलर बंडल्स होते हैं ये दो तरह के होते हैं, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। अगर तो कैम्बियम इसके अंदर प्रेजेंट है, ये जाइलम और फ्लोएम के बीच में एक एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, अगर तो ये प्रेजेंट है तो वो ओपन टाइप है वेस्कुलर बंडल, अगर ये एब्सेंट है तो वो क्लोज्ड टाइप है। ओपन टाइप में क्या होता है कि वेस्कुलर बंडल सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यू, सेकेंडरी फ्लोएम टिश्यूज बनाते हैं, और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, डाइकोटिलेडोनस स्टेम्स में प्रेजेंट होते हैं। पर अगर हम क्लोज टाइप की बात कर रहे हैं, क्लोज टाइप जो वेस्कुलर बंडल होता है उसमें कैम्बियम एब्सेंट होता है, एक्टिवली डिवाइडिंग सेल्स एब्सेंट होते हैं, सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बनाते ये, ठीक है। सो ये एक बेसिक चीज हो गई, ये मोनोकोटिलेडोनस में प्रेजेंट होता है। डाइकोटिलेडोनस में सेकेंडरी ग्रोथ होती है, सेकेंडरी जाइलम और फ्लोएम टिश्यूज बनते हैं, जबकि क्लोज टाइप में सेकेंडरी टिश्यूज नहीं बनते, ठीक है। तो इसके अरेंजमेंट के बेसिस पे, जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट के बेसिस पे जो वेस्कुलर बंडल्स हैं वो फर्दर दो तरह के होते हैं, ठीक है। पहला तो हमने कह दिया कि अगर कैम्बियम प्रेजेंट है या एब्सेंट है तो ओपन या क्लोज टाइप। अब अगर वेस्कुलर बंडल इनके जाइलम और फ्लोएम के अरेंजमेंट पे प्रेजेंट है, अगर ऑल्टरनेटली प्रेजेंट है, जैसे ये जाइलम है ये फ्लोएम है, सो और एक जगह ये जाइलम आ गया, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, फिर जाइलम, फिर फ्लोएम, सो ऑल्टरनेटली डिफरेंट रेडियाई पे, एक बीच में प्रेजेंट है एक ही साइड पे, डिफरेंट रेडियाई पे प्रेजेंट है, तो ये रेडियल कहलाते हैं, ठीक है, रेडियल टाइप वेस्कुलर बंडल। और ये किस में प्रेजेंट होते हैं, रूट्स के केस में देखे जाते हैं, ठीक है। अगर ये एक ही रेडियाई पे जॉइंटली प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसको कॉन्जॉइंट कहते हैं, कॉन्जॉइंट टाइप। अगर एक ही रेडियाई पे जॉइंटली प्रेजेंट है तो उसको कॉन्जॉइंट कहते हैं, ये स्टेम्स और लीव्स में देखा जाता है, ठीक है। वेस्कुलर बंडल्स इनका यूजुअली फ्लोएम जो होता है वो आउटर साइड पे रहता है, जैसे यहाँ देखिए ये फ्लोएम आउटर साइड पे है, इसमें फ्लोएम आउटर साइड पे है, बट जो जाइलम है वो अंदर की साइड पे है, ठीक है। अब इसमें देखिए, इसमें जाइलम, इसमें कैम्बियम नहीं है, इसमें बीच में कोई भी लेयर ऑफ सेल्स नहीं प्रेजेंट है, सो ये क्लोज टाइप हो गया, इसमें कैम्बियम की लेयर प्रेजेंट है तो ये ओपन टाइप हो गया, ठीक है। कॉन्जॉइंट क्लोज टाइप, कॉन्जॉइंट ओपन टाइप। देन ए वेस्कुलर बंडल्स की हमने दो तरह की चीजें कर ली, एक तो हमने वेस्कुलर बंडल को तो डिवाइड किया कैम्बियम की प्रेजेंट और एब्सेंट पे, दूसरा हमने जाइलम और फ्लोएम की अरेंजमेंट पे। अब हम बात कर रहे हैं कि जो जाइलम अगर प्राइमरी प्लांट बॉडी में बाय प्रोकैम्बियम प्रेजेंट फॉर्म होता है तो उसको प्राइमरी जाइलम बोलते हैं, और पहला फर्स्ट फॉर्म प्राइमरी जाइलम प्रोटोजाइलम कहता है, लेटर फॉर्म इज मेटाजाइलम, ओके। व्हेन प्रोटोजाइलम इज टुवर्ड्स पेरिफेरी, अब हम थर्ड टाइप की बात कर रहे हैं, अगर तो प्रोटोजाइलम हमारा पेरिफेरी पे प्रेजेंट है और मेटाजाइलम पिथ पे प्रेजेंट है,
ठीक है, अगर प्रोटो प्रोटोजाइलम पेरिफ्री पे प्रेजेंट है और मेटाजाइलम बिग वाले पिथ पे प्रेजेंट है, तो ये एग्जैक्ट टाइप ऑफ अरेंजमेंट रहता है और ये रूट्स में पाया जाता है. व्हेयरएज अगर जो प्रोटोजाइलम है वो पिथ पे है और मेटाजाइलम है जो वो पेरिफ्री पे है, तो वो एंडार्क टाइप ऑफ सिस्टम कहलाता है, वो स्टेम्स में प्रेजेंट होता है. ठीक है, तो ये हमारी वेस्कुलर बंडल्स की बात हो गई. ओके, आई गेस यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स. इफ यू हैव एनी डाउट यू कैन मेल, यू कैन सेंड मी अ मैसेज इन द कमेंट बॉक्स. ओके, देन इज थर्ड टाइप ऑफ सिस्टम, दैट इज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. सो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, अब हमारा तीसरा टाइप ऑफ टिश्यू सिस्टम आता है. सो इस टिश्यू सिस्टम में हम क्या कह रहे हैं कि जितने भी हमारे पहले और दूसरे टिश्यू सिस्टम में सेल्स प्रेजेंट हैं, उनके अलावा जितने भी सेल्स बच गए, वो सारे के सारे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम के पार्ट है. सो ऑल टिश्यूज एक्सेप्ट एपिडर्मिस एंड वेस्कुलर बंडल्स, दे कॉन्स्टिट्यूट द ग्राउंड टिश्यू सिस्टम. इसके अंदर सिंपल टिश्यूज भी आ जाते हैं, जैसे कि पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा एंड स्क्लेरेन्काइमा. ये पैरेन्काइमा सेल्स जो कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ और मेडुलरी रेज में प्रेजेंट होते हैं, प्राइमरी स्टेम्स एंड रूट्स. और लीव्स के केस में ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल क्लोरोप्लास्ट कंटेनिंग सेल्स, जिसको हम मेसोफिल बोलते हैं. ठीक है, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा ये सिंपल टिश्यूज हैं जो कि ग्राउंड टिश्यूज में प्रेजेंट होते हैं. तो इसमें आप देख सकते हैं पैरेन्काइमा थिन सेल वॉल स्टोरेज और फोटोसिंथेसिस का काम करते हैं, ये कॉलनकाइमा अनइवन सेल वॉल होती है इनकी. ठीक है, आप पहचान सकते हैं, ये फ्लेक्सिबल सपोर्ट का काम करते हैं. स्क्लेरेन्काइमा थिक सेल वॉल होती है, ये स्ट्रेंथ और सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं. ठीक है, सो अब हम बेसिकली करेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं, हम तीनों की एक कंपैरिजन में स्टडी कर लेते हैं तीनों टिश्यू सिस्टम्स को, डर्मल टिश्यू सिस्टम, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम. तो सबसे पहले अगर हम टाइप्स ऑफ सेल्स की बात करें, सो जो हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम है वो फ्लैट होता है, उसके अंदर एपिडर्मल सेल्स होते हैं जो कि पैरेन्काइमेटस सेल्स होते हैं, और उसके अंदर वुडी पार्ट्स में डेड पैरेन्काइमा प्रेजेंट होता है, नॉन वुडी पार्ट्स में एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, ग्राउंड टिश्यू सिस्टम में बात करें तो इसमें मोस्टली पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं, यूजुअली कुछ कॉलनकाइमा और बहुत थोड़े स्क्लेरेन्काइमा होते हैं. वेयर एज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम में अगर हम बात करें तो इसमें एलोंगेटेड स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के साथ साथ कुछ पैरेन्काइमा सेल्स होते हैं. ठीक है, ये तो हो गए इनके तीनों में सेल्स कौन से प्रेजेंट है. अब हम लोकेशन की बात करें, हम सेकेंड पॉइंट आ गया हमारा लोकेशन. तो डर्मल टिश्यू सिस्टम में हम एपिडर्मिस होती है, गार्ड सेल्स होते हैं, ट्राइकोम्स होते हैं, क्यूटिकल एक आउटर लेयर प्रेजेंट होती है. तो ये आउटर मोस्ट लेयर्स ऑफ सेल्स होते हैं, जो सबसे बाहर का पार्ट हो गया वो हो गया हमारा डर्मल टिश्यू सिस्टम. जो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम हो गया वो बीच का पार्ट हो गया डर्मल टिश्यू सिस्टम और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के, और जो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम हो गया वो बिल्कुल सेंटर का पार्ट हो गया. ठीक है, वो क्योंकि थ्रू आउट द प्लांट ही प्रेजेंट होते हैं, क्यों वो कंडक्ट करना है वाटर और मिनरल्स और फूड मटेरियल. ठीक है, तो अगर हम अब फंक्शनिंग की बात करें, रूट्स में अगर हम फंक्शनिंग की बात करें इनकी, तो रूट्स में डर्मल टिश्यू सिस्टम एब्जॉर्प्शन का काम करते हैं और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, वेयर एज ग्राउंड टिश्यू सिस्टम सपोर्ट और स्टोरेज प्रोवाइड करता है, वेयर एज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट प्रोवाइड करता है, वेयर एज इफ वी टॉक अबाउट द फंक्शनिंग ऑफ द टिश्यू सिस्टम इन केस ऑफ स्टेम्स, स्टेम्स के केस में डर्मल टिश्यू सिस्टम जो है वो गैस एक्सचेंज और प्रोटेक्शन का काम करते हैं, सिमिलरली लीव्स के केस में भी ये गैस एक्सचेंज और प्रोटेक्शन का ही काम करते हैं. व्हेयरएज इन ग्राउंड टिश्यू सिस्टम्स, जो स्टेम्स और स्टेम्स में फंक्शनिंग है इनकी, वो सपोर्ट और स्टोरेज रहती है और लीव्स में फोटोसिंथेसिस रहती है. व्हेयरएज वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम्स जो है वो रूट, स्टेम्स और लीव्स तीनों के केस में ट्रांसपोर्ट और सपोर्ट का ही काम करते हैं. ओके, सो ये हो गया एक कंपैरिजन हो गया तीनों टिश्यू सिस्टम्स का. सो इसमें हमने तीनों टिश्यू सिस्टम्स के बारे में पढ़ लिया, पहले तो टिश्यू सिस्टम क्या होता है और उसमें कौन से सिस्टम्स हैं, कौन से सिस्टम्स में कौन से सेल्स आते हैं, उनकी कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं और उनकी क्या फंक्शनिंग है, ये हमने इस वाले पार्ट में स्टडी कर लिया. सो अब हम पार्ट थ्री में इस चैप्टर को कवर करेंगे. इस चैप्टर में, इस पार्ट में हम क्या करने वाले हैं, हम करेंगे एनाटॉमी करेंगे डाइकोट्स और मोनोकोट्स प्लांट्स की. हम बेसिकली रूट्स, स्टेम्स और लीव्स तीनों की डाइकोट्स और मोनोकोट्स के रूट्स, स्टेम्स और लीव्स पढ़ेंगे और इन तीनों के हम एनाटॉमिकल डिफरेंसेस को देखेंगे कि आपस में इन दोनों के डिफरेंसेस क्या है.
फिर हम सेकेंडरी ग्रोथ की बात करेंगे और फिर हम सेकेंडरी ग्रोथ रूट्स में देखेंगे. तो ये हम पार्ट 3 की वीडियो में कवर करने वाले हैं. सो गाइज दिस टॉपिक विल कवर योर चैप्टर नंबर 6 आफ्टर डूइंग द पार्ट 3. And I hope you guys are enjoying my videos. And if you have any doubts, suggestions, and any complaints, you can comment me in the comment box. And I'll get back to you as soon as possible. And please like my video, share among your friends, and subscribe my channel if you're new to my channel. So see you tomorrow. Bye-bye. Take care. Thank you.